मैं हूं सैयद जिशान, आप देख रहे हैं सत्य आज तक। नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। आज यहां पर सह्याद्री में सम्माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सम्माननीय उप मुख्यमंत्री और जनाब अबू आसिम आजमी साहब की मौजूदगी में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग बकरा ईद के ताल्लुक से हुई और कुछ बहुत अहम फैसले लिए गए। भिवंडी के अंदर आसपास में जो फार्म हाउस है जहाँ पे बकरे पाले जाते बकरा ईद के लिए, उनको लोग परेशान कर रहे थे, और जो बकरे डायरेक्टली मंडियों में आ रहे हैं, जो छोटी छोटी मंडी लगती है वहाँ पे परेशान किया जा रहा था। और देवनार जीएम के माध्यम से एक मैसेज दिया गया था कि जो लोग बाहर बकरे खरीदेंगे उनको 2,500 रुपये का फाइन होगा। मैं ये कहना चाहूँगा ख़ास तौर से भिवंडी के आसपास जितने लोग ये फार्म हाउस चलाते हैं कि आज सरकार ने यह फैसला किया है कि जिस तरह से भाजी तरकारी आप बाहर खरीद सकते हो एपीएमसी मार्केट के बाहर, उसी तरह से आप जो है बकरे भी खरीद सकते हो। तो कोई भी इंसान आकर परेशान अगर करता है तो उसकी सूचना हेल्पलाइन नंबर पे दी जाए, जो आज सरकार ने हेल्पलाइन बनाई है, एक बात। दूसरी बात, सरकार ने एक इम्पॉर्टेंट निर्णय लिया है जनाब अबू आसिम आजमी साहब की डिमांड पे कि जो पैसा लिया जाता था वेटरनरी डॉक्टर यानी जानवरों के डॉक्टर जो लेते थे वो 20 रुपये से 200 रुपये किया गया था, सरकार ने उसको भी स्टे कर दिया है और 20 ही रुपया लिया जाएगा। तीसरा कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति जो जानवरों का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसको अड़चन नहीं दे सकता, जाके किसी गाड़ी को नहीं रुका सकता, सिर्फ सरकार की तरफ से जो पुलिस तैनात है वही ये कर सकती है। और बहुत क्लियर निर्देश सीएम ने और डीसीएम साहब ने दिया है कि बिल्कुल महाराष्ट्र का वातावरण खराब नहीं किया जाएगा, किसी को ये अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये एक अच्छी सूचना है, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि ये लोगों तक पहुँचाए और सरकार की दी हुई हेल्पलाइन के ऊपर जानकारी दे ताकि हम आने वाली बकरी ईद जो है शांति से और सुकून से मना सके। शुक्रिया।